क्या है, दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। लेकिन एक बार मेरी तरफ ध्यान तो दीजिए। हेलो डॉल, डॉल क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ, क्या हुआ? अपनी आवाज में क्यों बोल रही हो? क्या लोग समझेंगे तुम्हारे पास काम नहीं है, घर बैठी हो वेली। हेलो, आपन कौन? मी सक्कू बाई। अरे मैडम तो शूटिंग पे गई ली है। अरे साहब इधर फालतू में बैठे लाए। एक मिनट है, ओल्ड करो, ओल्ड ओल्ड। धर्मानंद नागर प्रोड्यूसर साहब, धर्मानंद नागर इतना बड़ा प्रोड्यूसर। हेलो, हाँ जी पापा जी, नागर साहब मैं बोलता प्या, थोड़ा दिल बोलता प्या जी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं आई एम ऑलरेडी विद यू। हाँ जी, क्या बना रहे हो इस बार सर जी? अच्छा दो पैनों की कहानी है, बड़ा ही नवा आइडिया है। एक बड़ी एक छोटी, अच्छा एक गोरी एक काली, टाइटल ही गोरी और काली है। वेरी गुड, चलो फिर हम तो जवान वाला छोटा वाला रोल करेंगे ना। क्या बड़ी बहन का रोल जो साइड रोल है उसके लिए आपको चाहिए प्रेमा? ना 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 ना, ना हमने साइड रोल करने बंद कर दिए हैं नागर साहब। आई एम विद यू वो बात और है, लेकिन ना कंसल्ट करेंगे और कर लेना, ठीक है? ओके जी। क्या बड़ी बहन का रोल मेरे लिए? हाँ। साइड रोल मेरे लिए? हाँ। और छोटी बहन का रोल कौन करेगी? कौन करेगी छोटी बहन का रोल? वो कह रहा था कोई जवान और काली लड़की ढूंढ रहे हैं उसके लिए। तो ठीक है, मैं काली नहीं हूँ लेकिन जवान तो हूँ। डॉल फिल्मी जवानी बड़ी छोटी होती है। आज तक कभी सुना है किसी हीरोइन को कहते हुए कि आज मेरा 25वां बर्थडे है? इसलिए पिछले 10 साल से तुम 22 साल की हो। अगले महीने फिर तुम्हारा 22वां बर्थडे आ रहा है। अगर मेरे पास आज एक छोटी बहन होती तो मेरा कितना फायदा होता ना। मेरा भी कितना फायदा होता। तुम्हारा कैसे? हम सब कुछ कर लेते मिल बांट के। क्या मतलब? घर का सारा काम काज कर लेते मिल बांट के, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होती। बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि वो इडियट और क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुमसे कंसल्ट करेगा छोटी बहन के रोल के लिए। ओ, कंसल्ट करेगा या इंसल्ट करेगा? कंसल्ट करेगा। ये वाला आइडिया नहीं, आइडिया दिल, मैं छोटी बहन का रोल भी कर लेती हूँ और बड़ी बहन का रोल भी कर लेती हूँ, गौरी का भी और काली का भी। मगर कैसे? तुम धर्मानंद नागर साहब को फोन करो और उनसे कहो कि डॉल की एक फ्रेंड आई है अफ्रीका से, वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उसे वहाँ के टाइगर्स क्लब ने नेशनल अवार्ड भी दिया है। लेकिन अफ्रीका से क्यों? वहाँ की लड़कियाँ काली होती है ना, मुझे काली काली वाली बहन का रोल करना पड़ेगा, है ना? मैं गेटअप में जाऊंगी, नागर साहब मुझे पहचानेंगे भी नहीं। यू सी आई एम सच अ ग्रेट एक्ट्रेस। ओह डॉल, यू आर रियली ग्रेट। रियली? डॉल नहीं हूँ मैं, मैं हूँ मिस रुम्बा सुम्बा। अरे तुम्हारे डैडी कहाँ है? वो बालकनी में होंगे। क्या? हाँ तो सुबह वो बालकनी में ही तो जाते हैं क्योंकि प्रेमा आंटी जो आती हैं बाल बनाने। चुप कर अभी, जा जाकर बुला उन्हें, जा। अच्छा। हाँ। यहाँ यहाँ पारो, यहाँ बैठो। तुम अंदर थे? क्यों, मुझे कहाँ होना चाहिए था? नहीं, चिंटू कह रहा था रोज इस वक्त तुम बालकनी में रहते हो। ये लड़का आजकल एकदम वाहियात होता चला जा रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारी माँ भी यही कह रही थी कि चिंटू बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अब सुबह सुबह मुझे ताने मत मारो, मेरा चाय नाश्ता दो। ये सामने क्या रखा है? कहाँ है? अरे इधर इधर। कहाँ है? ये लो, ये नाश्ता है। ये चश्मा। कौन है? डैडी, डैडी। हाँ, आ गए चिंटू बेटे। आपके लिए खुशखबर। अच्छा बेटे, कौन सी खुशखबर है? गुलबुरा अंकल ने दूसरी शादी कर ली। आई डोंट बिलीव इट। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही हूँ। थैंक यू। मैं भी देख कर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ बैठ कर नाश्ता कर लो, मैं जाकर देखती हूँ। ओके ओके। तुम कितने अच्छे हो। क्या? मेरा मतलब यहाँ नहीं, अंदर।
केशु आ गई। केशु केशु जाओ जाकर पता करा लो प्रेमा जी कहाँ है। क्यों क्या हुआ? अरे वाकई दिलरुबा जी ने एक काली कलूटी औरत घर में लाकर रखी है। अच्छा? और सरेआम उसके साथ छिछोरापन कर रहे हैं। तुम्हें उसमें क्यों जलन हो रही है? ए, चुप, मुझे क्यों जलन होने लगी? मैं तो एक अच्छा बसा बसाया घर उजाड़ने से बचाना चाहती हूँ। अरे जाओ जाकर देखो ना। पर पहले नाश्ता कर लेना। नाश्ता बाद में कर लो, चलो उठो। हेलो, धर्मानंद नागर स्पीकिंग। नागर साहब, पापा जी, मैं थोड़ा दिल बोल लेती हूं। हां दिलरुबा जी, कैसे फोन किया? ये बताइए कि आपकी छोटी काली पैन मिली कि नहीं मिली अब तक? नहीं भाई, अभी तक तो नहीं मिली है दिलरुबा जी। अगर आपके जहन में कोई है तो बता दीजिए। ओ जी, जहन में क्या, अपने घर में है अपनी प्रेमा। अपनी प्रेमा है ना, उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है। कौन है? अफ्रीका से आई है, बड़ी चोटी की कलाकार है, कई एनिमल अवार्ड जीत चुकी है और ट्राइबल डांस में तो नंबर वन है। तो फिर हम आपके ऑफिस में आ जाते हैं। हाँ हाँ दिलरुबा जी, जरूर आइए। भाजी पापा जी आ जाएंगे। I'll be there with you। आहो जी आहो, आहो। Okay. क्या कहा? क्या तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट लेंगे नागर साहब। कौन है? कौन है? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो घबराए क्यों? कौन है? केशव कुलकर्णी। तो सही घबराए ना फिर। तुम अंदर छुट जाओ, तुम्हें देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिल 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 दिल। केशव जी को अंदर आने दो। अगर उन्होंने मुझे इस गेटअप में नहीं पहचाना ना, तो हमारा यही स्क्रीन टेस्ट हो जाएगा। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। क्या है? क्या है? देखे, 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 मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ। अरे मैं वही तो देखने आया हूँ। डार्लिंग अच्छा तो ये है तेरा डार्लिंग? क्यों बे दिलरुबा के बच्चे, प्रेमा जी को पता है कि तूने एक ऐसी डार्लिंग को पाल के रखा है? अबे ये प्रेमा की ही बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा? मिस रंबा संबा। रंबा संबा अफ्रीका से आई है। ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी दो वरना मैं प्यासी मर जाऊंगी। अब तू क्या बोला रे? मैं बोला रुक जा, पानी लेकर आता। अच्छा अच्छा, तो इसने भी तुझे नौकरी पर रखा है। उला पुला बाऊ बाऊ। तू क्या बोला? पानी लेकर आ। अरे वाह, बड़ी जल्दी सीख गया रे। ये कौन जेंटलमैन? ये जेंटलमैन कहाँ से है? ये हमारा पड़ोसी है, केशव कुलकर्णी। केशव कुलकर्णी, रंबा संबा, तुम कभी अफ्रीका में आया? अफ्रीका में तो नहीं आया। क्यों, वहाँ की कोई खासियत है क्या? यस, वहाँ इतना बड़ा बड़ा बंदर। इतना बड़ा बड़ा बंदर रहता है उसमें? क्या हुआ, हमारे इंडिया में भी इतना बड़ा बड़ा बंदर रहता है? रंबा संबा, जल्दी करो, हमको नागर साहब के ऑफिस जाना है। अच्छा, आप लोग बाहर जा रहे हैं? ओके रंबा संबा, बाय बाय। क्यों खींच लिया? अफ्रीका में लड़कियां शेक हैंड नहीं करती हैं। नहीं तो फिर बाय बाय कैसे करती है? बताता हूँ रंबो, क्यों गाना बाना घुमाया घुमाया, गाना गाना घुमाया घुमाया। क्या बात है केशव, ये पेट क्यों दबा रहे हो? तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में किसी का कुछ अच्छा हो गया क्या? बस ऐसा ही समझो गोखले। क्या हुआ? अरे प्रेमा जी की गैरहाजिरी में दिलरुबा के बच्चे ने एक लड़की को पटा लिया है। दिलरुबा का बच्चा लड़की पटा सकता है? मुझे तो लगता है इस दुनिया में मेरे सिवाय कोई भी लड़की को पटा सकता है। हाय हाय, लेकिन कौन है वो बदनसीब लड़की? है एक अफ्रीकन लड़की, रंबा संबा नाम है उसका। रंबा संबा, लेकिन अफ्रीकन लड़कियों का टेस्ट इतना बुरा है? अरे उसके हिसाब से दिलरुबा गोरा होगा ना। हो सकता है, हो सकता है। लेकिन यार केशव, अगर दिलरुबा ने लड़की को पटा लिया है तो तेरे पेट में क्यों दर्द होता है? अरे उस रंबा संबा ने मेरे पेट में गोम्बा मारा ना। गोम्बा? अरे मुक्का मारा, मुक्का। मुक्का? लेकिन क्यों? दिलरुबा कह रहा था कि अफ्रीका में ये गुड बाय कहने का तरीका है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, अफ्रीकन लड़कियाँ गुड बाय कहते हुए मुक्का नहीं मारती। तो फिर गुड बाय कैसे करती है? सुनो केशव, तीन चार साल पहले एक अफ्रीकन लड़की मुझे ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिली थी। अच्छा? और जब उसने मुझे गुड बाय कहा, तब उसका तरीका अलग था। कौन सा तरीका था? प्लेटफॉर्म आते ही उसने मुझे पीछे से लात मार दी। चलो अच्छा हुआ गोखले, क्या मुझे पीछे से लात तो नहीं खानी पड़ी। गौरी और काली, गौरी और नागर साहब। कौन है जी? पापा जी आपका दिल।
पापा जी। पापा जी मैंने कहा था ना I'll be there with you, so I'm here with you. Very good, very good. महाराज आपकी कुड़ी आ गई है। ओ जी मेरी कुड़ी? ओ काली कुड़ी अफ्रीका वाली। ओ दूसरी हीरोइन? ओहो आ गई है। कहाँ है? बाहर खड़ी है। अरे बाहर क्यों खड़े रखे हैं? अंदर बुलाओ, अंदर बुलाओ। रंबो आजा 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 आजा। ये है नागर साहब, यहाँ के बहुत बड़े प्रोड्यूसर। सर जी मिलो 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 सर। हेलो 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 मिस मिस रंबो। हेलो 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 हेलो। आप वैसे अफ्रीका में कौन से एरिया में रहती हैं? मैं रहती इन मोगेम्बो गांव। ओह क्या अजीब इत्तेफाक है दिलरुबा जी, मेरा छोटा भाई भी वहीं का रहने वाला है। ओह रियली? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शायद आप उसे जानती भी होगी। नाम क्या है उसका? उसका नाम है लिम्बो। लिम्बो थोड़ा जाना पहचाना नाम लगता है, शक्ल देखेगी तो पहचान जाएगी। पहचान जाऊंगी लेकिन कैसे पहचानूंगी, हम इधर है वो उधर है। नहीं लिम्बो तो इधर ही है। किधर है? लिम्बो नजर आओ। लिम्बास्टिक सिंपली फैंटास्टिक भाई, आई हैव कम टू सी यू हिप्पी। लिम्बो तुम शायद मिस रोम्बा को जानते होगे, वो भी मोगाम्बो की रहने वाली है। रोम्बा? No, I don't remember. No, लिम्बो तुम कैसे भूल गए हमको? हम दोनों एक साथ स्विमिंग करने जाते थे। स्विमिंग? No, भाई, I don't remember. लिम्बो हम लोग विंड सर्फिंग करने जाते थे। No, भाई, no, I don't remember. हम लोग डांसिंग करने जाते थे। Dancing? You baby dancing? Yes, baby dancing, dancing, dancing. Oh yeah, man. Sati, Sati, लगता है इनको एक दूसरे का पता मिल गया है मोगाम्बो का। Miss Rumba, लिम्बो ही आपके ऑपोजिट हीरो बनने वाला है। Oh, good, 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 good. Yes, yes. Together we dancing, baby. Sir, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस रोल के लिए इसको फिक्स कर लिया है? अरे दिलरुबा जी, फिक्स नहीं कंफर्म कर लिया है। सर ये लो फटाफट साइन करो। अरे पहले एग्रीमेंट तो हो जाने दो। अच्छा हाँ, परसों एग्रीमेंट रेडी हो जाएगा। हम पर्सनली आपके घर आएंगे प्रेमा जी और इनको साइन कर लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। खाली साइन मत करना, साइनिंग अमाउंट भी लेकर आना। चलो चलो रेम्बो, हो गया हो गया, चलो हो गया। हम जाते जाते जाते। प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट गो गया गया। भैया भैया शी इज ऑल ओवर मी जी बारिश। धर्मानंद हम है ना, इसको मैरी करने को मांगता। धर्मानंद होश में आओ। सच बताइए कौन है वो लड़की? वो क्या वो कर रहे हैं? मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ा है। क्या मतलब? मतलब आप अच्छी तरह से जान गए हैं दिलरुबा जी, जिस तरह से उस लड़की के साथ पेश आ रहे थे आप। छी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। खोकी जी, अब मैं क्या करूं? इस उम्र में हर आदमी को एक गर्लफ्रेंड की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप मुझे कभी सीरियसली लेती ही नहीं है, कभी मेरे बारे में सोचती नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? सॉरी। क्या सॉरी का क्या मतलब होता है? किसी भी ऐरी गैरी काली कलूटी लड़के को घर में ला कर रखेंगे आप? अगर प्रेमा जी जान गई तो पता है क्या होगा? अरे डॉल सब जानती है, उसके कहने पे तो सब कर रहा हूँ मैं। क्या? मैं आपको बाद में समझाऊंगा गोगी जी। कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। और बाकी का सब इस वक्त केशव प्रेमा जी को समझा ही रहा होगा। क्या कह रहे हैं आप केशव जी? प्रेमा जी हाँ, हाँ। आपकी गहराजरी में दिलरुबा जी यहाँ रोम्बा सोम्बा नाम की एक लड़की को लेकर आते हैं। हाँ। और उसके साथ हरकतें करते रहते हैं। कैसे हरकतें? मुझे तो कहने में भी शर्म आती है। ऐसी वैसी हरकतें करते रहते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रोम्बा तो मेरी सहेली है। प्रेमा जी आजकल सहेलियों का कोई भरोसा नहीं रहा। नहीं? अरे मेरा तजुर्बा कहता है कि सहेली ही पहली बन जाती है। ओ, लेकिन मेरा पति तो परमेश्वर है, मुझे दिल पर पूरा भरोसा है। फिर तो आपको जरूर बेवकूफ बनाएगा। क्यों, आप कैसे कह सकते हैं? ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है प्रेमा जी। देखिए मुझे लगता है दिलरुबा जी आ गए। अच्छा। मैं अंदर जाके छुप जाता हूँ। okay. प्रेमा जी आप उनके साथ साफ साफ बातें कर लीजिएगा और मुझे मुझे फाइनल कर लीजिएगा। प्लीज मुझे फाइनल कर लीजिएगा, तब तक मैं अंदर छुपता हूँ। अगर वो मेरी बातों को जुठाने की कोशिश करेंगे तो मैं बाहर आऊंगा और यहाँ इसी जगह पर दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। ओके ओके इधर से इधर। ओके ओके दिल। आप यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन वो रोम्बा दिखाई नहीं देता, किधर है? नहीं आप
सोफा पर बैठ जाइए ना। हाँ हाँ, रोम्बा बाहर गई है लेकिन मैं उसकी सहेली हूँ, आप मुझे से कह सकते हैं। सहेली हमको आप ही से काम है। ओके, यू नो आई लाइक आई लव क्यों रोम्बा रोम्बा बेबी आई लव। ओके ओके, शादी बनाने को मांगता। शादी? नहीं नहीं नहीं, वो शादी किसी करेगी? देखो देखो, हम है ना उसको अपना गांव में लेके जाएगा, हम दोनों एक ही गांव का है। कौन सा गांव का? अफ्रीका में है, मोगाम्बो गांव। बहुत बड़ा बिजनेस है, हम धूमधाम से शादी बनाएगा उधर और फिर मोगाम्बो खुश होएगा। नहीं नहीं, जहाँ तक मैं जानती हूँ रोम्बा को मोगाम्बो से नफरत है। भाई, भाई, भाई। तभी तो वो मोगाम्बो देश छोड़कर यहाँ आ गई है। आप कैसे भी करके उसको मनाओ, उसको बोलो हमसे शादी बनाओ। नहीं, वो हमसे शादी नहीं करेगी। बस नहीं करेगी, नहीं नहीं करेगा तो हम अपना भाई को बोल के उसको फिल्म से आउट करेगा। आउट, 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 आउट। फिल्म से आउट? यस। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। तो हम तुम्हारे साथ भी करेगा, तुम कभी फिल्म से आउट करेगा? नहीं नहीं, नहीं, नहीं मुझे, आप ऐसा मत कीजिए, शांत हो जाइए। ये क्या बोला? हम गुस्से में बाय बोला। प्रेमा जी, चलो अच्छा हुआ रोम्बा सुम्बा की बला अपने आप टल गई। अरे क्या खाक टल गई केशव जी, रोम्बा के हाथ से रोल निकल गया है। तो निकल जाने दीजिए ना, आपका क्या जाता है। केशव जी, आप जैसा बेवकूफ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपने मुझे बेवकूफ कहा प्रेमा जी? हाँ। अरे अभी अभी हमारे बीच में सब कुछ फाइनल हो जाने की बात हो रही थी और आप मुझे बेवकूफ कह रही है। ठीक है जी, आप मुझे 1.5 साल से कितने करीब से देख रहे हैं, आप ये भी नहीं देख पाए कि मैं ही रोम्बा हूँ। हाँ, जैम्बो जैम्बो बोना मटाटी काटे कोटी मटा रोम्बा जी। हाँ जी, लेकिन रोल चला गया। प्रेमा जी को मदद करने का एक ही आइडिया है। कौन सा गोखले? बता 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 कौन सा। मिस रोम्बा के रूप में प्रेमा जी लिम्बो से कहे कि वो शादीशुदा है। अरे कैसे हो सकता है, प्रेमा जी ने अपने आप को मिस कहा है। केशव, एक्ट्रेस शादीशुदा होते हुए भी जिंदगी भर मिस रहती है। अरे लेकिन उस लिम्बो ने प्रेमा जी का, मेरा मतलब है रोम्बा की बात का यकीन नहीं किया तो? कैसे नहीं करेगा, मैं किसी को रोम्बा का पति बनाकर भेज दूंगा। अच्छा, किसे भेजेगा गोखले? भाई जाओ। नहीं नहीं गोखले, तू रहने दे, बहुत हो गया, तूने बहुत सारे गेटअप कर लिए, अब तो तू गेटअप में भी गोखले लगता है। इस बार मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। किसी देखा तो नहीं? किसी ने नहीं, कुकी ने भी नहीं। नो प्रॉब्लम यार, तू खबर मत चल, मैं हूँ मैं हूँ। एक बात बता, मैं कैसा लग रहा हूँ? केशव यार, तू तो बिल्कुल वेस्ट इंडीज का प्लेयर लग रहा है। लेकिन यार केशव, ये आधा गोरा आधा काला। अरे छोड़ ना यार, कोई पूछेगा तो बताऊंगा 6 महीना लंदन में रहता हूँ, 6 महीना अफ्रीका में रहता हूँ। रोम्बा रोम्बा रोम्बा, देखा दिलरुबा जी, आपकी मिस रोम्बा ने मेरे भाई को पागल कर दिया है। रोम्बा रोम्बा, आई वांट टू मैरी यू, तुम हमसे शादी बनाएगा? शादी? और खुला शक्लो, हम तुमसे शादी नहीं बना सकते, हमारा ऑलरेडी शादी हो चुका है। तू पहन। अच्छा, और ये मैं पहनता। अच्छा जी, ओके, ऐसा लग रहा हूँ ठीक ना? बेस्ट, ओके, ऑल द बेस्ट। जाम्बू जाम्बू बाने। ओह नो भैया, आई कांट बिलीव दिस, हमको यकीन नहीं होता। यकीन तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारा हस्बैंड इधर आ सकता है, आ सकता है, लेकिन क्यों नहीं आता है? ओह हेलो जेंटलमैन, मे आई कम इन? अपन कौन? आई एम केशवा खासबा, हर हस्बैंड। डार्लिंग, स्टॉप। अगर ये तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम अपना नाम का पिच्छू में मिस क्यों लगाता? वो हमारा ट्रेड सीक्रेट है। यू सी, इंडिया में शादीशुदा एक्ट्रेस को कोई मार्केट नहीं है ना, क्यों प्रोड्यूसर साहब? यस यस। बाय द वे, ये हमारा हस्बैंड नंबर, बाबा क्या नंबर है? एडी लारा टाइसन जोंगो केशव नंबर 5। फिफ्थ हस्बैंड। साइड साइड साइड, तो तुम्हारा वो बाकी का बैलेंस 4 हस्बैंड किधर आए? बाकी का बैलेंस 4 हस्बैंड अफ्रीका के किसी जंगल में दौड़ता है, दौड़ता। ओहो यार, तेरा हो गया ना, तेरे हर सवाल का जवाब दे दिया है, अब फिनिश करो। सर सर, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो सर जी। अरे आप कॉन्ट्रैक्ट की बात छोड़िए, ये अभी से इतना झूठ बोल रही है, मालूम
मालूम नहीं फिल्म साइन करने के बाद कितना झूठ कहेंगी मुझे। करेक्ट भैया, करेक्ट भैया। अच्छा वो हमने से शादी नहीं मनाया, वरना हमको पता नहीं कौन सा जंगल में छोड़ के आता था। सर जी ऐसा मत करो सर, सर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, आपके लिए हमने हीरोइन इम्पोर्ट की है सर। अरे छोड़िए दिलरुबा जी, हिंदुस्तान में क्या अच्छी हीरोइन की कमी है? इससे तो अच्छा होता कि मैं प्रेमा जी को ही दोनों रोल के लिए राजी कर लेता। दोनों रोल के लिए? जी हाँ। आर यू सीरियस? यस आई एम वेरी सीरियस। अगर इस वक्त भी प्रेमा जी आए तो मैं उनको दोनों रोल डबल रोल के लिए साइन करने के लिए राजी हूँ। तो फिर साइन करने के लिए तैयार हो जाओ, बिकॉज़ यू सी प्रेमा इज हियर।